Guruji ने मुझे सत्संग में बुलाया और मुझे ब्लेस किया और पता नहीं किसको मेरे सत्संग के थ्रू क्या मैसेज दिलाने वाले हैं। तो मैं गुरुजी से जुड़ी थी लास्ट ईयर जुलाई में। मैं दिल्ली में गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर, सिस्टर का थोड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मैंने कहा देखते हैं गुरुजी को, जाके देखते हैं कौन है गुरुजी। टिल देन आई डिडंट इवन नो कि गुरुजी इज समबडी हु इज नॉट इवन इन हिज फिजिकल फॉर्म। तो जब मैं बड़े मंदिर में गई तो बस मुझे वहां की क्लिनलीनेस अच्छी लगी, बहुत अच्छा पीसफुल वो सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन बाकी कुछ मैंने फील नहीं किया। तो मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर ने बोला था कि गुरुजी वन टू वन कनेक्शन करते हैं, आप उनकी प्रेजेंस फील करते हो बड़े मंदिर में। तो मैं वहां जय प्रसाद के लिए बैठी हुई वेट कर रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को मैंने ऐसा सुना है कि वन टू वन कनेक्शन होता है और आपकी प्रेजेंस फील होती है, तो वो क्या है मुझे भी बताओ, क्या होता क्या है वो, मतलब मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं ये सोच रही थी, मेरे मन में बातें चल रही थी, मेरे पास में एक लेडी बैठी थी, बिल्कुल स्ट्रेंजर, कभी नहीं मिली मैं, उसने मुझे ऐसे देखा, बहुत क्यूट सी स्माइल पास करी, मेरे हाथ बंद थे मुट्ठी जैसी थी, उसने मेरी मुट्ठी खोली, उसमें गुरुजी का स्वरूप रखा, मेरी मुट्ठी बंद कर दी, क्यूट स्माइल मारी। आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि मैं जो मन में चल रहा था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराओ, गुरुजी ने जवाब दे दिया। वो दिन था और आज का दिन है जहां मुझे पता चल जाता है गुरुजी का सत्संग है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जाऊं, ऑफकोर्स गुरुजी की मर्जी होती है तो। और फिर उसके बाद हम दुबई आए, दुबई में 30 ईयर्स हम रह चुके हैं, वो मेरा लास्ट डे था, वीजा कैंसिलेशन था, तो नेक्स्ट डे हमको यूके जाना था, परमानेंटली सेटल होना था। तो मैंने कहा मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मैंने जीके में जॉब किया है, कभी गुरुजी का पता नहीं चला, टाइमिंग गुरुजी डिसाइड करते हैं। दुबई में 13 इयर्स रहे, कभी नहीं पता चला कि यहाँ की संगत इतनी अच्छी, इतनी श्रद्धा वाली है, यहाँ पे वीकली सत्संग होते हैं फ्राइडे को, कभी नहीं पता चला। जब वीजा कैंसिलेशन हो गया, यूके जाना है, लास्ट डे है, वो थर्सडे था, नेक्स्ट डे पता चला समाना होटल में सत्संग है। तो मैं आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल, मी एंड माई डॉटर, यहाँ पे 13 साल रहने के बाद यूके जाएंगे, वहां कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, यहाँ बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा और गुरुजी से नया कनेक्शन, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, बहुत मतलब आई वॉज वेरी इमोशनल। तो मुझे सोनिया आंटी का पता चला, तो मैं आई, सत्संग हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि दुबई बाय बाय करने से पहले मेरे को यहाँ पे सत्संग अटेंड करने को मिल रहा है, और यूके घर सेटल करने से पहले, हम वहाँ यूके 6 महीने पहले चले गए थे लेकिन विजिट वीजा पे गए थे, तो अभी परमानेंटली जाने वाले थे रेजिडेंट वीजा पे और घर सेटल करने वाले थे। तो मुझे लगा कि मैं यूके घर में घर सेटल करने वाली हूँ और मुझे यहाँ सत्संग अटेंड करने को मिल रहा है, तो आई टुक इट एज अ वेरी नाइस सिग्नल। तो मैंने फिर सोनिया विज आंटी को मैं मिली, पता नहीं मेरे तो आंसू ही गिरते गए, पता नहीं आंटी को याद भी है या नहीं। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरा आज लास्ट डे है दुबई में और मैं कल यूके जा रही हूँ, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि यूके में भी हमारा वैसे ही अच्छा स्टे रहे जैसे यहाँ था, मुझे बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। तो आंटी बिजी थी उस वक्त, उन्होंने कहा आप जरा रुको मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इन्होंने बाकी संगत को अटेंड किया बहुत प्यार से, पहले गुरुजी का शुक्राना फिर आंटी का शुक्राना, उन्होंने मेरे को गुरुजी के चरण कमल दिए, एक मीडियम साइज स्वरूप दिया और स्वरूप दिए, इतने सारे ब्लेसिंग्स दी, आई वॉज रियली टच्ड। मेरे मन से गुरुजी के लिए तो शुक्राना निकल ही रहा था और आंटी के लिए भी ब्लेसिंग्स निकल रही थी। तो मैं लेके गई वहां पे चरण कमल लेके गई, तो जो नीचे सीढ़ियों में समाना होटल में लोग मिले, कहते हैं आपको एक ही विजिट में इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई, तो मुझे लगा अच्छा इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, गुरुजी के चरण कमल लेके हम अपने यूके नए घर में गए, तो मैंने कहा गुरुजी अब आप घर में आ गए हो तो देख लेना सब कुछ ठीक ठाक हो, जैसे दुबई में हमारा इतना अच्छा स्टे रहा ना वैसे ही यहाँ पे हो, सब कुछ अच्छे करना, हर वक्त साथ में रहना। तो गए तो फ्रिज ऑन किया, जो हम फ्रिज चलता हुआ छोड़ के गए थे वो फ्रिज चलना बंद हो गया, और भी एक दो चीजें ऐसी हुई, तो मुझे मन में थोड़ा सा लगा, मैंने कहा ये मैं ठीक कर रही हूँ, एम आई गोइंग इन द राइट पाथ, मतलब फ्रिज चलता हुआ छोड़ के गए थे ये सब ठीक था तो समझ में नहीं आया। एनीवेज जब फ्रिज काम नहीं करे, वेदर ठीक नहीं हो, कहाँ आप बार बार बाहर जाओगे खाना खाने, तो थोड़ा लगता था डिस्टर्बेंस ही हो रही है। एनीवेज तो फ्रिज तो रिप्लेस हो गया, तो तब तक समझ में नहीं आया ये हुआ क्यों, गुरुजी के चरण कमल लाए और चलते हुआ फ्रिज खराब हो गया। तो उसके थोड़े टाइम के बाद माय हस्बैंड कीप्स ट्रैवलिंग, तो यूजुअली वो क्या होता है 10 डेज दुबई में रहते हैं, 10 डेज यूके, 10 डेज इंडिया। तो आफ्टर 2-3 मंथ्स माय हस्बैंड टोल्ड मी मधु इस बार मैं जा रहा हूँ और 3 वीक्स के बाद आऊंगा। तो देन आई टोल्ड हिम, वो फ्लो में जो मेरे मुंह से निकला ना, मैंने कहा मुझे बहुत डर लगता है, बाहर पेपर की भी आवाज आती है तो डर लगता है, अच्छा हुआ वो फ्रिज नहीं है पुराना, उसमें से तो एनिमल की आवाजें आती थी। एक्चुअली वहां बहुत ठंड होती है ना, शुरू में हम डर जाते थे, तो फिर हमें लगा बहुत ठंड है, हम रूफ टॉप पे रहते तो शायद ऐसे ही कुछ आवाज आती होगी, लेकिन जब वो पुराना फ्रिज गया, नए फ्रिज में से कोई आवाज नहीं आती थी। तो जब मैंने ये बोला, दैट इज द टाइम गुरुजी मेड मी रियलाइज कि मैं जब आया था तेरे घर में जो भी नेगेटिव चीज थी मैंने वो सब निकाल दी, इसलिए वो फ्रिज खराब हुआ होगा। और उसके बाद से इतनी सारी सक्सेसेस मिल रही है मुझे, मेरी बेटी को, मतलब इतनी बड़ी कंपनीज में गुरुजी ने उसको इंटर्नशिप करवाई, मेरी जॉब में तो गुरुजी ने यू वुड नॉट बिलीव इंटरव्यू का क्वेश्चन तक बता दिया।
The interview was not supposed to be a technical interview. वो competency based interview होना था. इतने strong आवाज अंदर से पंजाबी में, तो IBP की definition ते पढ़ ले. I was like, then I was telling Guruji, Guruji, technical interview नहीं है, तू पढ़ते ले, पढ़ते ले. I was forced to read the definition. जब मैं interview के लिए गई और वहाँ जो interviewers थे, उन्होंने actually IBP की definition पूछी. और मेरा जॉब में सिलेक्शन तो होना ही था, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी. और वो मेरा इंटरव्यू था गुरु पूरब वाले दिन नवंबर में. तो गुरुजी इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वे. अब मेरा ये लास्ट रीसेंट सत्संग है. एक्चुअली हम लोग अभी इंडिया जा रहे हैं, तो दुबई वाया दुबई इसीलिए आए हैं. मेन मेरा ये था, मुझे सोनिया आंटी को फिर से मिलकर थैंक्स करना था. और आपके सत्संग जो है ना यूट्यूब में सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे खुद फिजिकली प्रेजेंट होना था यहाँ पे. ये मेरा एक मेन पर्पस था. हम लोग खाली 4 डेज के लिए यहाँ, तो आने से पहले अमृत वेला का टाइम था 31st of August. मैंने नीति आंटी से और सोनिया आंटी से कॉन्टेक्ट किया व्हाट्सएप पे. तो मैंने बोला कि ये मेरे डेज ऑफ स्टे हैं, तो कोई सत्संग है? तो आपने बोला कि 12, 13, 14. मैंने कहा ठीक है. इससे 2-3 महीने पहले क्या है, मैंने गुरुजी को ना अरदास की थी, गुरुजी सत्संग तो आपके बहुत होते हैं, आप टेलीपैथी से इतनी बातें करते हो, इतने अच्छे से आप ब्लेस कर रहे हो, तो आई मे स्टार्ट फॉरगेटिंग द सत्संग, तो आई वांट टू राइट अ डायरी ऑफ सत्संग, आई वांट टू कंपाइल सत्संग. तो मैंने कहा लेकिन मैं तभी करना चाहती हूँ अगर आपकी आज्ञा हो. तो मैंने कहा अगर आप मुझे डायरी से ब्लेस करोगे तो मैं समझूंगी आपकी आज्ञा है, आप चाहते हो मैं डायरी लिखूं सत्संग कंपाइल करूं, और नहीं तो मैं सोचूंगी आप चाहते हो कि ऐसे सत्संग में मैं वर्बली सुनाती जाऊं. तो ये 2-3 महीने पहले की बात थी. एक बार बोला गुरुजी को, दो बार बोला. एक बार मेरे हस्बैंड दुबई आए, मैंने उनको बोला सोनी आंटी को मिलके बोलना कि कोई गुरुजी की डायरी है. उन्होंने शायद पूछा तो डायरी तो होती नहीं है गुरुजी की. तो ये बड़े मंदिर गए, मैंने प्रवीण अंकल को फोन करके पूछा अंकल कोई गुरुजी की डायरी है? तो उन्होंने कहा नहीं डायरी तो कोई नहीं होती. तो देन आई गेव अप. मैंने कहा शायद गुरुजी नहीं चाहते. तो 31st August को जब दोनों आंटी ने बोला ठीक है यू आर मोस्ट वेलकम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू यू लिसनिंग टू योर सत्संग. तो तब मैंने जब व्हाट्सएप से डिस्कनेक्ट किया, मैंने कहा गुरुजी अब आप खुद ही देखो मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी, यही आपने मुझे डायरी से ब्लेस किया होता कितना अच्छा होता. तो मैंने हिंट वर्ड लिखने शुरू कर दिए, कोड वर्ड की, जिससे सत्संग याद आ जाए. तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज मेरा बहुत मन है मैं सत्संग कंपाइल करूँ. और फिर मैंने ये भी बोला, मैंने कहा गुरुजी कोई पॉकेट डायरी मत दे देना. सेम डे इवनिंग में एक संज्योति आंटी है, उनके यहाँ सत्संग था. वहां पे एक जॉय आंटी आती है हमारे वहां बर्मिंघम में. तो वो जॉय आंटी को हम बहुत लविंगली मैसेंजर ऑफ गुरुजी बोलते हैं, क्योंकि उनको गुरुजी ड्रीम में आते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो सच हो जाती है. मतलब उनको तो पता नहीं गुरुजी के साथ उनका क्या अलग ही लेवल का कनेक्शन है. तो वो सत्संग में जॉय आंटी बोलती है मेरी टांग पे करके, मुझे हाले में सत्संग सुनाना है. 2-3 बार बोला, मैंने सोचा होगा उनके बहुत सत्संग होते हैं. तो जब वो सत्संग सुनाने लगी तो वो बोलने लगी कि वो मैनचेस्टर गई थी 2-3 दिन पहले, फिर कहीं और भी सेकंड जगह पे. तो गुरुजी कहते हैं तुम मधु वास्ते डेयरी लानी है. उसको एक बार बोला, दो बार बोला, 3 बार बोला, 4th बार वो स्टेशनरी शॉप पे गई तो गुरुजी कहते हैं तुम मधु वास्ते डायरी नहीं लेती हाले. तो वो कहती है मैंने मधु के लिए डायरी ली. फिर गुरुजी कहते तू ऐने नहीं देनी, तू है सजा के देनी है. फिर उसको बोला कि इसका टाइटल लिख महिमा ऑफ माई गुरुजी, तो हूं तू मधु नु देनी है. तो वो सत्संग में जब मुझे वो डायरी दे रही थी, ये डायरी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग से मिली. जय गुरुजी. मतलब सेम डे अमृत वेला मैंने गुरुजी को बोला, ओनली इट वॉज बिटवीन मी एंड गुरुजी, और किसी को नहीं पता था. गुरुजी को बोला डायरी से ब्लेस करो, और सत्संग पे किसी संगत के थ्रू गुरुजी ने मुझे ये डायरी ब्लेस करी और बोला कि मधु को बोलियो कि महिमा ऑफ माई गुरुजी करके बुक भी लिखे और सत्संग कंपाइल करे. तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच. इसी तरह ब्लेस करते रहना मुझे, अपनी सारी संगत को, हमारे परिवारों को. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. शुक्राना गुरुजी.